जनपद ललितपुर के बांसी कस्बे में किसान फल व सब्जी विक्रेता परेशान हैं। उनकी इस परेशानी का कारण दबंगों द्वारा उनके लिए बनाए गए हॉटपैड पर कब्जा करना है। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जहां एक तरफ किसान व छोटे मंझले व्यापारियों को उनके उत्पाद बेचने के लिए तमाम सहूलियतें दी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी भी प्रकार के अवैध कब्जा करने वालों पर भी सख्ती बरती जा रही है, परंतु जनपद ललितपुर के बांसी कब्जे में यह सब बेमानी साबित हो रहा है। यहां दबंगों द्वारा सब्जी फल विक्रेताओं के लिए निर्धारित स्थान पर कब्जा करके अपने डिब्बा व छप्पर आदि डालकर कब्जा कर लिया गया है, जिसे वह किराए पर देकर मासिक किराया वसूल कर चांदी काट रहे हैं। बात केवल यहीं खत्म नहीं होती। सब्जी व फल विक्रेताओं के स्थान पर कब्जा होने के चलते उन्हें मजबूरन सड़क किनारे या किसी दुकान के सामने बैठकर अपना उत्पाद या सब्जी को बेचना पड़ता है। ऐसे में कई बार वह सड़क किनारे घटित होने वाली दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, तो आए दिन दुकानदारों से भी जलील होना पड़ता है। इस सभी से तंग आकर विगत दो दिनों से कस्बा बांसी में सब्जी व फल विक्रेताओं ने अपना काम बंद करके विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। उन्होंने अपनी मांग का एक पत्र जिलाधिकारी को देते हुए शीघ्र कब्जा हटाए जाने की मांग की है। यहां हम आपको बता दें कि जनपद ललितपुर में जिलाधिकारी योगेश शुक्ल द्वारा अवैध कब्जा का संज्ञान आने पर सख्त कदम उठाते हुए तुरंत कार्रवाई की गई है। ऐसे में बांसी के किसान सब्जी व फल विक्रेता काफी आशान्वित हैं कि जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र ही यहाँ के कब्जा धारकों को भी हटाया जाएगा। सब लोग उठा लेंगे तो हम भी उठा लेंगे, सबके साथ में सहयोग करेंगे। जी 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 ये मतलब है हमारा, हम लोगों को कहीं स्थायी जगह दी जाए कि हम लोग वहाँ अपना रोजगार बना सके। जी लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो खुला मैदान हो जाएगी, जो डिब्बे वगैरह हट जाए, इसलिए पब्लिक को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बांसी की बहुत समस्या हैगी बांसी की। अगर रोड पर वाहन खड़े किया कोई भी ले जा सकता है, कोई चोरी भी हो सकता कई वाहन। बांसी से MS चौहान की रिपोर्ट।